एक्सकेवेटर। एक गांव में पुरातत्व शाखा के लोग एक्सकेवेटर की मदद से खुदाई का काम कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद वो लोग वहीं पे एक्सकेवेटर को छोड़ के चले गए। बरसों बीतने के बाद वो कमजोर और खराब पड़ गया। उसमें कुत्ते और बिल्लियां सोने लगे। एक दिन बिज्जू नाम का एक भिखारी वहां पे आया। अरे, इस गाड़ी को क्यों ऐसे छोड़ दिए? ठीक है, आज से मैं इसे अपना घर बना लूंगा, सोचा बिज्जू। उस दिन से वहीं पे सोने लगा। उसके नीचे खाना बनाने लगा। एक्सकेवेटर के सामने के हिस्से को पानी का टंकी जैसा इस्तेमाल करने लगा। कपड़े धोकर उसी के ऊपर सुखाने लगा। वैसे बिज्जू उसे अपना खुद का घर जैसा बना दिया। कभी कभी बिज्जू को सोते वक्त उस एक्सकेवेटर से कह के एक अजीब सी आवाज सुनाई देता था। शायद अंदर चूहे घूम रहे हैं, सोच के सो जाता था। उस गांव में कांचीराम नाम का एक भंगार वाला रहता था। वो बहुत लालची था। उसको कई दिनों से उस एक्सकेवेटर के ऊपर नजर था। उसे बेच के बहुत सारा रकम कमाने के बारे में सोचता था। एक दिन कांचीराम एक्सकेवेटर के फोटोज निकालकर उन फोटोज को शहर के एक क्लाइंट को भेजने के लिए वहां पे आया। वहां पे बिज्जू को देखकर, कौन है रे तू? ये क्या तेरा परदादा का घर समझ रहा है? परमानेंटली कब्जा किया? तमीज से खाली कर वरना मार खाएगा, कहा। मुझे खाली कर बोलने के लिए तू होता कौन है? तू क्या इसका ओनर है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है? इसे घर के जैसा इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो लॉज के जैसा। शादी करके यहीं पे घर बसाऊंगा। पूछने के लिए तू होता कौन है रे? क्यों भिखारी बोले तो तुझे नीचा दिख रहा है? तुम्हारे घर पे एक ही भाजी बनती है पर मैं रोज 64 प्रकार के सब्जियां खाता हूं। मेरे साथ पंगा मत ले, चल, बोला। अच्छा खासा रकम लेकर इसे बेचूंगा, सोचा। बीच में ये कहां से आ गया? इसे कैसे भी यहां से भगाना होगा, सोचा। उस रात कांचीराम ने एक आदमी को वहां पे लाकर, ए, ये 1000 वाला फटाका रात भर फोड़, कैसे ये सो पाएगा मैं भी देखता हूँ, कहकर वो वहां से चला गया। वो आदमी उस रात 1000 वाला फटाका फोड़ते वक्त बिज्जू कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुनते हुए सो गया। उस दिन फिर एक्सकेवेटर के अंदर से करके आवाजें आने लगी। अगले दिन कांचीराम उस गांव के एक गुंडे को लेकर वहां पे आया। क्यों रे? मैंने मेरे करियर में बहुत सारे कब्जा किया, बहुत सारे घर खाली भी करवाए, पर ऐसे खटारे एक्सकेवेटर को भी खाली करवाना होगा ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। एक भिखारी को पीटने की बदनामी मुझे नहीं चाहिए भाई, जल्दी से इसे खाली करके चले जा। बिज्जू डर गया। साहब, मुझे घर बार नहीं है, यही मुझे इतने दिनों से सहारा दिया। आप अगर खुद चल के यहाँ पे इसे खाली कराने के लिए आए तो मुझे तो खाली करना ही होगा, अभी ही निकलता हूँ साहब, कहकर अपने बैग को पैक करने लगा। तभी उस एक्सकेवेटर के नीचे से एक मम्मी बाहर निकला। कांचीराम गुंडा दोनों डर गए। बाप रे, भूत! इसमें भूत भी किराए पर रहता है क्या? अरे पहले क्यों नहीं बताया? भागो रे सब, कह के गुंडा चिल्लाते हुए भाग गया। बिज्जू चकित होकर देखने लगा। मम्मी कांचीराम और गुंडे के पीछे पड़ा। कुछ देर बाद मम्मी वापस आया। डरता हुआ बिज्जू को देखकर मम्मी, तुम डरो मत मित्र, पुरातत्व शाखा वाले खुदाई करते वक्त मैं बाहर निकला, उनको चकमा देकर इस एक्सकेवेटर में तभी से जी रहा हूँ। इस खराब खटारे एक्सकेवेटर से भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। दुनिया कितनी बिगड़ चुकी है मित्र, मैंने उन्हें इतना डराया कि इस जन्म में तो वो वापस कभी यहाँ नहीं आएंगे, हम दोनों यहाँ आराम से जी सकते हैं। बिज्जू उस मम्मी का प्रणाम किया। फूड डिलीवरी बाइक। श्रीरामपुर नाम के गांव में श्रीधर नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता श्रीराम से एक दिन, बड़ी मेहनत करके तुझे डिग्री तक पढ़ाया, कोई जॉब करेगा सोच के तुझे बाइक भी खरीद के दिया। उस बाइक पे अपनी अय्याशी करने के सिवाय क्या तूने कभी कोई इंटरव्यू अटेंड किया है? अब बहुत हो गया है, तू उस बाइक को घर पे रख के तेरी मन मर्जी जहाँ पे घूमना है वहाँ पे जाके घूम। तेरी अय्याशी के लिए रोज मैं पेट्रोल नहीं डाल सकता, कहा। तो श्रीधर डर के मारे, नहीं पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल उस बाइक की मदद से कैसे रोजगारी करना है मैं उसका रिसर्च कर रहा हूँ। मैं इस गांव में
टोमेटो नाम का एक ऐप शुरू करने जा रहा हूँ। ऐप में अगर कोई ऑर्डर किया तो उनके घर पे जाके फूड डिलीवरी हो जाएगा। कैसा है मेरा आइडिया? पूछा, पगला गया है क्या? इस गांव में चार कदम बाहर रखो तो ऑर्डर आके घर पे पहुंच जाएगा। तुझे ऑर्डर कौन देगा रे? ठीक है, जो मन में आया वो कर। कम से कम काम करने का मन तो बना लिया। बच गया, कहकर बाइक लेकर चला गया। बाद में वो अपना दोस्त मुन्ना से, ए मैं अपने पापा से कमिट हो गया, टोमेटो आप कैसे भी बनाना है, अब क्या करेंगे बोल, कहा। तू टेंशन ले मत, नौकरी से निकाले गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे गांव में भरे पड़े हैं, मैं करवा दूंगा ना, कहा। वैसे टोमेटो ऐप तैयार करके गांव वालों के मोबाइल में जबरदस्ती डाउनलोड करवाए। एक दिन एक आदमी ने उस ऐप में जलेबी ऑर्डर किया। श्रीधर ने जलेबी खरीदा। बाइक में जाते समय मुन्ना उसे रोका। वाह, जलेबी की खुशबू लाजवाब है, कहते हुए मुन्ना ने जलेबी खाया। ये क्या है, तू कर क्या रहा है रे, कहा। खा के देख रहे एक बार, जलेबी मस्त है, कहा। तो श्रीधर का भी लाल टपका। श्रीधर ने भी एक जलेबी निकाल के खाया। बचे हुए जलेबी लेकर श्रीधर ने ऑर्डर देने वाले को दिया। ये क्या, आधा किलो जलेबी ऑर्डर किया तो चार जलेबी आए, कहा। मैंने खुद पैक करवाया, चाहे तो आप इसे खाने के बाद अपने वेट चेक कीजिए, पक्का आधा किलो वजन आप बढ़े होंगे, कहकर पैसे लेकर चला गया। वो हैरान होकर देखने लगा। एक दिन एक आदमी ने दो चिकन बिरयानी ऑर्डर किया। श्रीधर मुन्ना नुक्कड़ पे बैठकर बिरयानी पैकेट खोल के उनमें से सारे चिकन पीसेस खा लिए। खाली राइस पैक करके श्रीधर ऑर्डर करने वाले को दे दिया। एक दिन मुन्ना, भाई बढ़िया व्यापार है भाई, जो हम खरीद के नहीं खा पा रहे वो सब हम फोकट पे खा रहे हैं। ऐसे ही हमारा टोमेटो ऐप दिन ब दिन तरक्की करके हमें बड़े से बड़े ऑर्डर्स मिले, कहा। तभी तो मैं होटल वालों से बात किया, ₹1000 से ज्यादा ऑर्डर करने वालों को 50% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, कहा। वैसे भी 50% हम ही खा रहे हैं ना भाई, डिस्काउंट ठीक ही रहेगा, कहा। कुछ लोग श्रीधर को लाइव मुर्गे को भी ऑर्डर करते थे। एक दिन श्रीधर उनको बाइक पे लाते वक्त एक पेड़ के पास रुका और उन मुर्गियों में से एक को निकाल के उस पेड़ पे बांधा और फिर वो ऑर्डर करने वाले के घर पहुंचा। एक मुर्गा कम क्यों पड़ गया है, पूछा। उसको बिरयानी सेंटर में देख रहा हूं साहब, बाद में आपके घर पे बिरयानी पैकेट्स आएंगे, कह के वो चला गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो ऐसे ही श्रीधर की तरफ देखता गया। एक बार बिट्टू नाम का एक बच्चा आइसक्रीम ऑर्डर किया। श्रीधर आइसक्रीम को आधा चाट के बचा हुआ आइसक्रीम उसको दे दिया। क्या है अंकल ये, लगता है कि आइसक्रीम को किसने चाटा है, कहा। क्या बोल रहा है रे तू, आइसक्रीम चाटने के लिए मैं कोई कुत्ता हूँ, वो शॉप वाले ने मुझे ऐसा ही दिया है, पैसा निकाल, कहा। तो बिट्टू ने उसे पैसा दे दिया। बाद में बिट्टू ने आइसक्रीम को कुत्ते को डाल दिया। उसके बाद बिट्टू आइसक्रीम शॉप वाले के पास गया और जाकर सब कुछ उसे बताया। तो शॉप वाले ने, हाँ उसके बारे में मुझे बहुत लोग बोले, उसको कैसे भी बुद्धि सिखाना है, कहा। मेरे पास एक आइडिया है अंकल, कहकर बिट्टू ने उसे कुछ बोला। अगले दिन बिट्टू फिर से आइसक्रीम ऑर्डर किया। श्रीधर आइसक्रीम शॉप गया। शॉप वाले ने उस आइसक्रीम पर मच्छर मारने की दवाई डाला। श्रीधर बाहर आकर उस आइसक्रीम को चाटा, तुरंत वो अपने पेट को पकड़कर नीचे गिर गया। बाप रे, पेट में दर्द हो रहा है, कहके वो छटपटाया। बाद में अस्पताल में गिरा श्रीधर से उसके पिता, मेरी इज्जत को तूने मिट्टी में मिलाया है, तुम्हारे बारे में गांव के सब लोग मुझे शिकायत किए, खाने को ठीक से सप्लाई करेगा सोच के सब लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा रख के ऑर्डर किए, उनके खाने को चुराने के साथ साथ तेरा झूठा खाना भी उन्हें खिलाएगा, तूने कितना बड़ा पाप किया है मालूम है तुझे, आज इस बच्चे के वजह से तुम्हारा भांडा फूटा, नहीं तो और कितने गंदी हरकतें करते किसे मालूम, अब तो खुद को सुधार लो वरना घर से बेदखल कर दूंगा, कहा। श्रीधर उनसे माफी मांगा।